गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4E में है हमारा 5A। उसमें है सबसे पहले 15 into, अब देखो ये इसमें अब बड़ा ब्रैकेट दिया ये वाला, तो आपको क्या याद रखना है इसमें, सबसे पहले ये जो बड़ा ब्रैकेट है वो आपको सोल्व करना है। तो उसमें भी देखो ये स्मॉल ब्रैकेट दिया है, तो सबसे पहले इसको आपको सोल्व करना है। तो 17 में से आपको कितना कट करना है, 12, 17 में से 12 कट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5। तो आपको यहाँ पे अब लिखना है 15 into 28 minus 5। 17 में से हमने 12 कट किया तो कितना है हमारे पास 5। अब यहाँ पे माइनस की साइन थी तो हमने लिखा यहाँ पे माइनस, अब 17 minus 12 तो कितना आया 5। अब सबसे पहले इसको हमें करना है सॉल्व, तो क्या करेंगे अब 28 minus 5 तो कितना आएगा, 28 minus 5 करेंगे तो 23। अब आपको यहाँ पे साइड में कर सकते हो -5, 8 में से 5, 3 और 2 तो कितना आया 23। तो अब यहाँ पे आंसर आएगा 15 into 23। अब ये दोनों का हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, तो हम करेंगे 23 into 15। यहाँ पे दोनों का क्या आएगा 0, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 5 3 जा 15, 1 क्या हो जाएगी कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11। ये दोनों का अब हम क्या करेंगे प्लस, ये क्या है 5 का क्या रहेगा 5, 3 और 1 4, और 3 और 1 कितना होगा 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया 345। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है 345। आपको क्या याद रखना है इसके अंदर, सबसे पहले जो है आपको बड़ा ब्रैकेट दिया है वो सोल्व करना। इसके अंदर भी देखो एक स्मॉल ब्रैकेट है, तो 17 minus 12 तो कितना आया 5। अब यहाँ पे 28 है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23। अब ये दोनों का हमें क्या करना था मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आया 345। अब नेक्स्ट दिया है आपको बी वाला, 17 है और इसके अंदर देखो ये स्मॉल ब्रैकेट है, उसके बाद क्या दिया है डिवाइड 289। तो सबसे पहले ये अंदर वाला ये जो बड़ा ब्रैकेट है वो सोल्व करेंगे। इसके अंदर देखो कितना आया है 112 minus 78, तो आप क्या कर सकते हो ऐसे साइड में 112 minus 78। अब 2 में से तो नहीं होगा 12, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। और 12 में से 8 कट करेंगे 4, 10 में से 7 कट करेंगे 3, तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना है अब 34। तो लिखना है आपको इसके अंदर 17 into 34 डिवाइड 289। क्या करना है आपको, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट, अब क्या है हमारे पास ये वाला ब्रैकेट हमें पहले सोल्व करना है, तो ये दोनों का भी क्या करना है हमें मल्टीप्लाई। तो हम इसमें यहाँ पे करेंगे साइड में 34 into 17, 0 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 7 4 जा 28, 2 क्या हो जाएगी कैरी, 7 3 जा 21 22 23, तो यहाँ पे आएगा 23। अब यहाँ पे 8 का क्या रहेगा 8, 4 और 3 7, और ये क्या है 3 और 2 5, तो कितना आया ये दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो 578। तो आपको अब ये दोनों ब्रैकेट का आंसर क्या आया यहाँ पे लिखना है 578 डिवाइड 289। अब क्या करना है आपको, ये दोनों का डिवाइड करना है, क्या करना है ये दोनों का, तो इसका भी हम करेंगे यहाँ पे, फाइव हंड्रेड सेवेंटी एट और 289। अब मैंने सिखाया था जब ऐसी बड़ी जो डिजिट दियो तो क्या करना है, यहाँ पे क्या है सबसे पहले 2 है और यहाँ पे पहली डिजिट लेनी है 5 है, तो बड़ा है तो आपको देखना है 2 के टेबल में 5, तो 2 2 जा 4, तो 4 इससे छोटा है तो किस में आएगा, तो 200 यहाँ पे ऊपर करेंगे 289 into 2, 9 2 जा 18, 1 क्या हो जाएगी कैरी, 8 2 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, तो कितना आया 578। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2578
0 0 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2। आंसर क्या आएगा, 2। तो हमने इसमें क्या किया, तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो ये बड़ा ब्रैकेट है वो इसके अंदर वाला सोल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट दिया है वो सोल्व किया, तो कितना आया आंसर, 34। अब इसके अंदर हमें मल्टीप्लाई करके कितना दिया है, 17 दिया है, तो इसके साथ हमें इसने मल्टीप्लाई किया, ये ब्रैकेट हो गया सोल्व। उसके बाद क्या दिया है आपको, 289, तो 578 डिवाइड 289 करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 2। अब नेक्स्ट दिया है आपको सी, 61 माइनस, उसके बाद दिया है ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ से 35 प्लस 34 डिवाइड 46 माइनस 23 और ब्रैकेट। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, जो ये वाला ब्रैकेट है वो सोल्व करना है। तो उसके अंदर देखो दो ब्रैकेट दिए, सबसे पहले क्या दिया है आपको, 35 प्लस 34, तो उसको हमें प्लस करेंगे, तो लिखना है इक्वेशन 61, इसके अंदर क्या दिया है, 34 प्लस 35 कितना होगा, 69। अब क्या दिया है इसके बीच में, डिवाइड, अब 46 माइनस 23 करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 23, कितना आएगा यहाँ पे, 23। तो ये वाला हमने सोल्व कर लिया, इसके अंदर जो ब्रैकेट दिया था तो क्या किया, 35 प्लस 34 सबसे पहले तो कितना आया, 69। अब डिवाइड करके क्या दिया है आपको, 46 माइनस 23, तो कितना आएगा यहाँ पे, 6 में से 3 कट करेंगे 3, 4 में से 2 कट करेंगे क्या आएगा, 2। हमने ये किया ब्रैकेट सोल्व, तो हमारा 69 डिवाइड 23। अब आपको क्या करना है, 69 डिवाइड 3 करना है, तो 23 3 जा 69 आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 61 माइनस 3, तो अब 61 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 58। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आपको क्या याद रखना है, इसमें सबसे पहले ये बड़ा वाला ब्रैकेट है वो उसके अंदर जो भी है वो आपको सोल्व करना है, उसके बाद ये बार वाला है वो करेंगे हम यहाँ पे। अब नेक्स्ट है 700 डिवाइड 10, और यहाँ पे दिया है आपको 12 इंटू 8 डिवाइड 34 माइनस 10, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है वो सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे दिया है आपको 10 और यहाँ पे 12, 8 जा 96, तो लिखा है 96 डिवाइड, अब क्या दिया है आपको, 34 माइनस 10, तो 34 में से 10 कट करेंगे तो कितना आएगा, 24, कितना आएगा, 24। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों ब्रैकेट है वो सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, 700 डिवाइड 10, तो 700 डिवाइड 10 करेंगे तो कितना आएगा, 700 और डिवाइड 10, तो अब क्या आएगा, 10 7 जा 70 आया। अब क्या आएगा, ये ज़ीरो, अब यहाँ से ज़ीरो लेंगे नहीं होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 70। यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा, 70, इसका ये ब्रैकेट का 70 माइनस, अब क्या दिया है यहाँ पे, 96 डिवाइड 24, तो आपको अब क्या करना है यहाँ पे, 96 डिवाइड 4 डिवाइड 4 किया, अब यहाँ पे 2 के टेबल में 9 है यहाँ पे, तो 9 या 8, 2 4 जा 8, तो ये किससे करेंगे हम, 4 से, तो एक बार यहाँ पे देख लेंगे, 24 का टेबल नहीं आता है, तो किससे, 24 इंटू 4, 4 4 जा 16, 1 क्या हो जाएगी यहाँ पे, कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, तो कितना आया, 24 4 जा कितना होता है, 96, तो यहाँ पे 4 96 0 0। अब यहाँ पे क्या आएगा, 70 माइनस 4 कितना आएगा यहाँ पे, 70 में हमें 70 में से कितना कट करना है, 4, तो कितना आएगा यहाँ पे, 66। आप एक बार ऐसे करके देख लेना, माइनस 4, 0 में से नहीं होगा 10, यहाँ पे 6, 10 में से 4 कट करेंगे तो कितना आएगा, 6, और 6 में से 6 कट करेंगे तो कितना आएगा, 6, तो हमारा आंसर क्या होगा या ये, 66। आपको इस ये सिंप्लीफाई में जब ब्रैकेट, दो ब्रैकेट वाला दिया है, तो यही याद रखना है कि सबसे पहले जो ये बड़ा ब्रैकेट है वो क्या करना है, सोल्व करना है, उसके अंदर जितने भी है वो करके। देखो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले ये वाला किया, इसके बाद ये, तो हमारा आंसर 70 माइनस 4
70 में से, अब यहाँ पे दोनों के बीच में, दोनों ब्रैकेट पे बीच में किसकी साइन थी? माइनस की, तो हमने किसकी साइन की यहाँ पे? माइनस, तो 70 माइनस 4 तो कितना आया? 66।